हरियाणा वाली ग्राउंड डे एंड नाइट T20 में सजा क्रिकेट मेला सजा फ्लाइटर्स ने आसान मुकाबले के बाद जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी मरकजी कलात बोर्ड इतिहाद के सदर अलहाज नसीर यूसफ वोहरा थे, जिन्होंने दीगर मेहमानों के साथ मिलकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। फाइनल मैच में खिलाड़ियों का जोश और खरोश दीदनी था। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया, मगर किस्मत ने RPO 11 का साथ न दिया और सजा फाइटर्स ने ये फाइनल मैच जीत लिया। तकरीब तकसीम इनामात के शुरका से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मरकजी कलात बोर्ड इतिहाद के सदर अलहाज नसीर यूसफ बोहरा और दीगर मेहमान मियाँ तनवीर रियाज इमरान हमीद नायब सदरबार एसोसिएशन फैसलाबाद सरवर बट एडवोकेट ने कहा कि आज किसी की हार या जीत नहीं हुई बल्कि मोहब्बत दोस्ती और भाईचारे की जीत हुई है। इन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी ने इंतहाई बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। किसी एक टीम को जीतना होता है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हारने वाले किसी तरह भी जीतने वालों से कमतर हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजर की क्रिकेट के फ्रोग के लिए की गई कोशिशों और काविशों को भी सराहा और खराज तहसीन पेश किया, जिनकी अंथक मेहनत और कोशिश से ये टूर्नामेंट कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। फैसलाबाद में क्रिकेट के फरोग के लिए हम सब का तआवुन आपके साथ है। हमारी जब भी जरूरत हो हमें आवाज दें, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। फिर में टूर्नामेंट के फातिहा और रनर अप टीमों ने मेहमानाने गरामी के साथ ग्रुप फोटो बनवाते हुए तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी और इन्हें खराज तहसीन भी पेश किया।